हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे चैनल को विजिट करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं टेक्निकल वीडियोस बनाऊं। अगर मैं कैमरास कंपेयर कर रहा हूं, कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा हूं, लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है और ये ठीक है। लेकिन एक बात समझना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरा इंटरनेट में अवेलेबल है। हो सकता है कि मेरे बोलने का तरीका और मेरे कंपैरिजन करने का तरीका आपको पसंद आया हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फोटोग्राफर यूट्यूबर्स हैं, उनको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ही है, कैमरा रिलीज होने से पहले इंटरनेट, और कैमरा रिलीज होने के बाद मोस्ट लाइकली हैंड्स ऑन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस बिजनेस के ऊपर बनाया है, करियर के ऊपर बनाया है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप 30,000 के कैमरा लो, 1,00,000 का कैमरा लो, आप अगर बिगिनर फोटोग्राफर हो या इंटरमीडिएट फोटोग्राफर हो, ये कुछ ऐसे चीज है जो इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा। ये 100% श्योर बात है, क्योंकि ये प्योरली मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस की वजह से है और मैं चाहता हूँ आप इसकी इंपॉर्टेंस को जान लो। तो जो भी मैंने इतने साल में जो भी मेरा बिजनेस था उसमें कुछ गलतियां भी की है, कुछ सही भी किया है। जो सही किया है और जो वर्क हुआ है उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ गलतियां भी किए हैं। अगर आप भी वही गलती कर रही हो तो किस तरीके से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट। परफेक्शन एक प्रॉब्लम है। हमेशा बिजनेस में परफेक्शन वर्क नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक असाइनमेंट आया, हो सकता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी का एक ऑफर आए, आपके दोस्त ने बोला 2,000 रुपीज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपको करना है। अगर आप ये सोच के उसको छोड़ दिया कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे इसमें परफेक्शन नहीं है, मैं अभी तक सिर्फ मॉडल फोटोशूट ही कर रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट शूट कैसे करूँ, अगर कोई आपके पास लेके आए हैं तो इसका मतलब उनको आप में कॉन्फिडेंस है। और आप बिगिनर फोटोग्राफर हो ये जानने के बाद भी आपके पास अगर वो आया है तो हो सकता है कि वो बजट कंस्ट्रेंट में हो सकता है कि कोई और फोटोग्राफर उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, उनकी मजबूरी हो। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपके पास बार बार नहीं आएगा। अगर आपने मुझसे पूछा तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है। आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में सीखना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, घर पे कुछ सैंपल फोटोज निकालना है, लाइट्स के बारे में जानकारी हासिल करना है, हो सके तो अगर कोई फोटोग्राफर ने ऐसे कोई काम किया है तो उसका हेल्प भी लेना है। वो जो 2,000 जो आपको मिल रहा है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस एक क्लाइंट के थ्रू बाई चांस अगर आपका काम अच्छा हो गया और वो काम देख के अगर कोई दूसरा क्लाइंट आएगा तो वहां से आप कमा सकते हो। हो सकता है कि आपका जो डिलीवरी है वो एवरेज हो, लेकिन आपके ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर होता तो वो पक्का प्रोडक्ट फोटोग्राफर के पास जाते। अगर आपके पास आए हैं तो कम से कम इतना सोच के ही आए होंगे। मैंने ये गलती किया है, काफी बार बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आए और ये सोच के कि ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को खूबसूरत दिखा पाता हूँ, शायद ये आर्किटेक्चर मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये प्रोडक्ट शूट मेरे बस की बात नहीं है, ये सोच के मैंने काफी सारे असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया है। एक पर्टिकुलर जॉनर में अपने आप को एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई जॉनर आपको छूना ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपर्टिस नहीं है कोई बात नहीं, उसको प्रायोरिटी में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन सा अपॉर्चुनिटी, कौन सा डोर आपके लिए ओपन करेगा ये आपको पता नहीं होता है। एक्सपर्ट एडवाइस लो, लेकिन कोई भी एक असाइनमेंट को इसलिए रिजेक्ट मत करो क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा, एक और गलती जो मैंने किया, सेव नहीं करना। थोड़ा बहुत पैसा सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बेसिक एटीट्यूड ही नहीं है सेव करने का। अगर थोड़ा सा पैसा बच गया तो एक और इक्विपमेंट ले लिया, जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देख लेता हूँ उसको खर्चा कर देता हूँ। आपको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे जो सेविंग्स है आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं कर रहे हो, वो तो हमें पता भी नहीं है कि हम कितने साल जीने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, कुछ ड्राई मंथ्स भी होते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकता है जब आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा सेव्ड नहीं है, कम पैसा में भी एक असाइनमेंट लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आजकल मेरा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है जिसकी वजह से मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसे टाइम था क्योंकि मेरे पास उतना सेव्ड पैसा नहीं था, कभी कभी मजबूरी में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। सेम सर्विसेज आप 100 रुपीज में भी दे रहे हो, सेम सर्विस आप 50 रुपीज में भी दे रहे हो, और सेम सर्विस आप 30 रुपीज में भी जब दे रहे हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका वो काम का एक्चुअल वैल्यू क्या है। अपने कोट को अपने ब्रांड के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से इंक्रीज करना ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशंस में एकदम से कम पैसे में कर देना, ये थोड़ा सा आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके क्लाइंट की कैटेगरी को जानना है। आप किस टाइप के फोटोग्राफर हो उसके बारे में जानना है। से फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर सिटी में हैं तो हमें बजट क्लाइंट्स या प्रीमियम क्लाइंट्स, इन दोनों में कौन सा हमारा क्लाइंट है ये जानना बहुत जरूरी है। अब बजट क्लाइंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको वेडिंग फोटोग्राफी की पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ।
अब जब भी कोई आपको कॉल करता है, आपके सर्विस के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले अगर उनका जो सवाल है, आपका पैकेज क्या है, आपके पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपके पैकेज में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या देते हो, अगर इस टाइप के सवाल पूछते हैं, किस तरीके से हम लोग कम पैसे में ज्यादा सर्विसेज लें, अगर इस टाइप की सोच है तो वो एक बजट क्लाइंट है। जब भी हम लोग डिलीवरीज के बारे में बात करते हैं, फोटोज कैसे आएगा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर उनको नंबर ऑफ फोटोज से मतलब है तो वो एक बजट क्लाइंट है। काफी लोग ऐसे पूछते हैं, आप कितने फोटोज दोगे? मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ फोटोज में कमिट नहीं करता हूँ। अगर कोई ऐसे फंक्शन है जिसमें ज्यादा रिचुअल्स ही नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स अगर किसी रिचुअल का बहुत छोटा है तो वहां पे कम फोटोज होंगे। एक फोटोग्राफर का एटीट्यूड जबरदस्ती नंबर ऑफ फोटोज क्रिएट करके क्लाइंट को डिलीवरी करना नहीं होना चाहिए। अगर इतना एक्टिविटीज है उस हिसाब से बहुत ज्यादा फोटोज होंगे, उसके बाद वो बार्गेन भी करेंगे, कंपेयर करेंगे आपको किसी दूसरे फोटोग्राफर से, वो 1 लाख में इतना दे रहे हैं और आप 1.5 लाख में इतना दे रहे हैं। उनको आपके स्टाइल से मतलब नहीं है, उनको आपके ब्रांड से मतलब नहीं है, वो लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं, पैकेज का वैल्यू, नंबर ऑफ फोटोज, नंबर ऑफ सर्विसेज, इसमें एक फोटो फ्रेम इंक्लूडेड है, इसमें पेन ड्राइव इंक्लूडेड है, इसमें ड्रोन इंक्लूडेड है, इस तरीके का कंपैरिजन करेंगे। आपका अगर मैक्सिमम क्लाइंट इसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक बजट क्लाइंट है। तो प्रीमियम क्लाइंट्स कैसे बात करते हैं? यूजुअली जब वो लोग कॉल करेंगे वो पैकेज के बारे में नहीं बात करेंगे। वो जब भी आपको कॉल करते हैं, दो मेन रीजंस होते हैं, मैंने आपका वेबसाइट देखा, मुझे फोटोज बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको कॉल किया। फोकस फोटो की क्वालिटी के ऊपर है, या फिर हो सकता है कि वो रेफरल से आए हैं, वो आपके पिछले क्लाइंट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके रेफरल को लेके आए हैं, लेकिन आपका जो स्टाइल है फोटो क्लिक करने का उनको वो पसंद आया है। आपके पिछले असाइनमेंट में आपने जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से गेस्ट्स के साथ बात किया, उनको उससे मतलब है। पैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन फोटोग्राफी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये उनका एटीट्यूड होता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा बार्गेन कर दूं तो हो सकता है कि फोटोग्राफर भी पैसा बचाने के लिए डिलीवरी का क्वालिटी कम ना कर दे, इसीलिए वो ऐसे कोई भी बात नहीं करेंगे जहां पे फोटोग्राफर अपनी तरफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे। मुझे आज भी याद है, एक क्लाइंट का जब कॉल आया था, वो कपल शूट के लिए था, तो मैंने अपना कोटेशन दिया और मैंने ये कहा कि 25 फोटोज मिलेगा। यूजुअली कपल शूट में डिलीवरी मेरा उतना ही होता है। अगर वो एक बजट क्लाइंट है तो मुझे कुछ इस तरीके का डायलॉग सुनना पड़ता है। वो फोटोग्राफर 60 फोटोज दे रहे हैं और आप सिर्फ 25 फोटोज दे रहे हैं, लेकिन प्रीमियम क्लाइंट्स का बात करने का तरीका अलग है। उस लड़की ने मुझसे कहा 25 फोटोज से कम हुआ तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 फोटोज ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में इससे ज्यादा फोटोज तो अपलोड नहीं करूंगी। एक बजट क्लाइंट और प्रीमियम क्लाइंट्स, इन दोनों के बारे में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। आप किस तरीके के क्लाइंट्स को केटर करते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैंने ये गलती किया है कि मैंने दोनों को मिक्सअप कर दिया था। आप जब दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप विद बोथ टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। तो आपको डिसाइड करना है, आप जहां पे रहते हैं उसके हिसाब से, आपका टीम कैसा है उसके हिसाब से, आपका खुद का ब्रांड और स्टैंडर्ड क्या है उसके हिसाब से, आपका क्लाइंट्स क्या होना चाहिए, वो बजट क्लाइंट्स होना चाहिए। अगर बजट क्लाइंट्स है तो आपका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, उसमें भी कोई गलती नहीं है। और अगर आपका प्रीमियम क्लाइंट्स है तो आपका फोकस पूरा क्वालिटी पे होना चाहिए। बजट क्लाइंट्स नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स, फ्रीबीज, नंबर ऑफ फोटोज, इनसे खुश रहते हैं। फोटो से भी मतलब है, लेकिन उनके दिमाग में नंबर्स बहुत चलता है। अगर वो लोग किसी और से बात भी करते हैं तो कुछ इसी तरीके से बात करेंगे। देखो, मेरे वेडिंग में मुझे 2 एल्बम्स मिला है, 2 पेन ड्राइव्स मिला है, 2 फोटो फ्रेम्स मिला है, 2 ड्रोन्स भी उड़ रहा था और फोटोग्राफर ने 1500 फोटोज डिलीवर किया है। उनको केटर करना कुछ फोटोग्राफर्स के लिए आसान होता है। प्रीमियम क्लाइंट्स अलग होते हैं, उनको क्वालिटी से मतलब होता है। हो सकता है कि पूरा वेडिंग में आपने सिर्फ 250 या 350 फोटोज उनको दिया है, वो उस नंबर ऑफ फोटोज को किसी और के वेडिंग के साथ कंपेयर करके हमें कम फोटोज मिल चुका है इस तरीके से सोचेंगे नहीं, वो उन फोटोज के इमोशन में रहेंगे। तो इन दो क्लाइंट्स को कैटेगराइज करके आप अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट्स पे फोकस करेंगे देन इट्स हेल्पफुल। अगर आपको प्रीमियम क्लाइंट से मतलब है तो बजट क्लाइंट से प्रीमियम क्लाइंट्स में ट्रांजिशन वो ग्रेजुअल होता है, लेकिन जब आप प्रीमियम क्लाइंट्स लेने लगेंगे, बीच बीच में अगर बजट क्लाइंट्स को भी केटर करते रहेंगे तो आपकी बिजनेस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनफैक्ट क्लाइंट्स भी कंफ्यूज होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि आप किस टाइप के फोटोग्राफर हैं। तो इन तीनों में मैंने थोड़ा सा मैसअप किया था,
ये मेरा गलती था एंड आई हैव ट्राइड टू फिक्स देम। अगर आप कुछ इस तरीके का सिचुएशन को एनकाउंटर करेंगे यू हैव टू डील अकॉर्डिंगली। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाई हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन। टेक केयर।